नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि केदारनाथ यात्रा जो यात्री करने आ रहे हैं और जब वो भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो उसके ऊपर जितनी जो पहाड़ियां हैं उन पर क्या क्या है, ऊपर कोई मंदिर है क्या, हम ऊपर और जा सकते हैं। आज हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ उसके ऊपर क्या है, कुछ देखने दिखाने वाली चीज़ है या कोई आश्रम है या और कोई बढ़िया चीज़ है दोस्तों। क्योंकि जो यात्री केदारनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं वो भैरव बाबा के लिए दर्शन जरूर करते हैं और जो भैरव बाबा के दर्शन करते हैं उनको ऊपर बहुत ऊंची-ऊंची, आप मेरे देख रहे हो मेरे पीछे कितनी ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं, तो वो वहां जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज आपको हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि ऊपर पहाड़ियों पर क्या है। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने आ रहे हैं दोस्तों तो आप ज़रूर आएँ और हाँ के भी एक बार नज़ारे ज़रूर लें। दोस्तों, आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये है भैरव बाबा का मंदिर, मेरे सामने देख रहे हो आप, ये भैरव बाबा का मंदिर है और ये केदारनाथ पूरी घाटी है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो जो ये मेरे उंगली के निशान है ये टोटल केदार घाटी है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ से ऊपर आओगे, ऊपर आते ही आप देखोगे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ से इतनी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, हरे भरे पहाड़, ऊपर बर्फबारी होती हुई और ये ऊँचे ऊँचे, और इधर आप देखोगे इधर बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और आप जस्ट जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है इसके जस्ट सामने देखोगे, ये भैरव बाबा मंदिर है उस पहाड़ी के जस्ट सामने देखोगे तो सामने ये रास्ता वासुकी ताल को ऊपर जाता है दोस्तों। क्योंकि इस बार मैं वासुकी ताल नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी ऊपर पड़ रही है, इसलिए सरकार ने और जो हाँ और लोग हैं उन्होंने भी रास्ता बंद कर दिया है। क्योंकि अगर आप वासुकी ताल जाओगे तो आपके लिए सबसे पहले एक गाइड लेना होगा जो आपको गाइड करता हुआ जाएगा कि ये रास्ते ये हैं और आपको वासुकी ताल पहुँचाएगा, क्योंकि कोई भी गाइड नहीं जा रहा है यात्रा करवाने के लिए क्योंकि यात्रा वासुकी ताल की बंद हो चुकी है। अगर आप जाना चाहते हो तो अपने रिक्स पर जा सकते हो, सामने वासुकी ताल है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऊँचे ऊँचे पहाड़, आप आराम से ऊपर आने के बाद में आप आराम से आराम कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, एक दो घंटे के लिए आप बैठ सकते हैं। ठीक दोस्तों, या फिर आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, कैंपिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप रात में यहाँ कैंपिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम चल रहा है अक्टूबर वाला महीना और 14 नवंबर के आसपास में आपके कपाट बंद हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप 5 या 6 बजे तक आप आराम से यहाँ रुक सकते हो। आप सामने देखोगे वो केदारनाथ की पहाड़ियाँ हैं सामने वाली, अब इस टाइम उस पर बर्फ़ नहीं है क्योंकि बहुत ना के बराबर बर्फ़ गिर रही है दोस्तों। 5-6 दिन बाद आपको वहाँ पर बर्फ़ देखने को लग जाएगी। मैं आपको और ऊपर लेकर चलता हूँ दोस्तों। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों, मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जितनी थकावट थी शरीर में वो सारी ख़त्म हो चुकी है इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद। दोस्तों, आप भी अपने घर पर बैठकर इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक, अगर आप ट्रैवलर हो या फिर आप ट्रैक करते हो तो आप आराम से आप जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहली बार आ रहे हो यात्रा पर तो आप केवल थोड़ी दूर तक ही आ सकते हैं दोस्तों। और आज लग रहा है कि आज है 21 तारीख और आज बर्फबारी 100% हो सकती है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियो टाइम